दिल्ली में एक वाटर क्राइसिस पैदा करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। इस षड्यंत्र के तीन हिस्से हैं। षड्यंत्र का पहला हिस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हरियाणा की सरकार से दिल्ली का पानी रुकवाती है। आज आप वजीराबाद बराज पे जाइए, एक बूंद पानी नहीं है। आज आप मुनक कनाल पे जाइए, 1050 की जगह 900 क्यूसेक पानी आ रहा है। अगर बीजेपी वाले दिल्ली वालों को पानी देंगे ही नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, तो दिल्ली वालों को सप्लाई का पानी कैसे मिलेगा? तो यह है षड्यंत्र का पहला कदम। षड्यंत्र का दूसरा कदम कि जितना भी पानी दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से रिजर्वायर में जा रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है, जो मेन पाइपलाइंस हैं, ये कैसे होता है कि रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटी हुई पाइपलाइंस के सामने फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं, बाइट देने पहुंच जाते हैं? ये उनके सामने ही पानी की लाइन कैसे टूटती है? कल साउथ दिल्ली को पानी पहुंचाने वाली मेन पाइपलाइन जो सोनिया विहार से दक्षिणी दिल्ली को पानी देती है, कल उस पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। उसके इतने लंबे लंबे बोल्ट काट के निकाले गए। क्या ये खुद ब खुद हो गया? या ये भी षड्यंत्र का दूसरा हिस्सा था जिसके तहत पानी की पाइपलाइंस को डैमेज किया जा रहा है? क्योंकि जब पानी की पाइपलाइन टूटेगी और दिल्ली जल बोर्ड वाले उसको रिपेयर करने जाएंगे तो 5-6 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। और आज सुबह दक्षिणी दिल्ली के साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंचा क्योंकि कल पानी की पाइपलाइन को, साउथ दिल्ली की मेन पाइपलाइन को जानबूझकर तोड़ा गया। तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है।